एक समय की बात है, सुंदरपुर के जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। उसकी एक जुड़वा बहन भी थी जिसका नाम मुन्नी था। टूनी जहाँ बहुत सुलझी हुई और नेक दिल चिड़िया थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन मुन्नी चिड़िया बहुत शरारती और चालाक थी। अगर कोई भी बुरा काम होता तो ये समझ लीजिए कि उसमें टूनी चिड़िया का हाथ जरूर होता, पर डांट बेचारी टूनी को खानी पड़ती। एक दिन की बात है, देख मुन्नी, तू अपनी आदतों से बाज आ जा, वरना अच्छा नहीं होगा। गलती तू करती है और डांट मुझे खानी पड़ती है। तो क्या हुआ, बड़ी बहन को कभी कभी छोटी बहन के बदले भी डांट खा लेनी चाहिए। ये सिर्फ एक बार की बात होती तो चलता, पर अब तेरी वजह से हर रोज मुझे डांट खानी पड़ती है। बस अब बहुत हुआ, मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रही हूँ, आगे से ऐसा कोई भी काम मत करना। ठीक है ठीक है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। टूनी ऐसा कहकर मुन्नी के कमरे में चली जाती है। टूनी के जाते ही मुन्नी अपने पुराने अंदाज में आ जाती है और मन ही मन कहती है, मुन्नी इतनी आसानी से बदलने वाली नहीं है, मैं तो भाई शरारत करती रहूंगी और तुझे डांट खिलवाती रहूंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी को एक दिन बहुत जोर की भूख लगती है और वह घर में खाना ढूंढती है, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर वह मन ही मन सोचती है, यहाँ तो कुछ मिलने से रहा, क्यों ना मैं कालू कौवे के आम के बाग में कुछ आम तोड़ कर ले आऊं, हाँ ये सही रहेगा। ऐसा मन में ठान कर वह उड़ते हुए कालू कौवे के आम के बाग में चली जाती है और रसीले रसीले आमों को देखकर उन्हें तोड़ने लगती है और ऐसे ही खूब सारे आम तोड़ लेती है और खा भी लेती है। तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और उसे देखते ही मुन्नी चिड़िया जल्दी से उड़कर वहाँ से नीम के पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ से टूनी चिड़िया भी उड़ते हुए कहीं जा रही थी। कालू टूनी को वही आम का चोर चिड़िया समझ लेता है और उसे पकड़ लेता है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही है? नमस्ते काका, मैं तो अपनी सहेली दीपा कबूतरी के पास जा रही थी। बोलिए, आपको कुछ काम है? अरे वाह, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो तुम, अब ज्यादा बनो नहीं, मैंने तुम्हें आम चुराते हुए देख लिया था। बोलो, तुमने ही मेरे आम तोड़कर खाए है ना, बोलो। नहीं नहीं काका, मैंने आपके आम नहीं खाए, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं तो अभी यहाँ आई हूँ और अपने दोस्त के घर जा रही हूँ। अच्छा, अब चोरी करती पकड़ी गई तो बहाने बना रही है। मैंने तुझे अपनी आंखों से मेरे बाग में देखा था और तुम मुझे देखते ही भाग गई। मैं झूठ नहीं बोल रही काका, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने आपके कोई आम नहीं खाए। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक मैं तुझे अभी बताता हूँ। कालू टूनी को उसके घर ले जाता है और उसके माँ बाप को उसकी चोरी के बारे में बताता है। देखिए भाई साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर आपकी यह लड़की, ये आपकी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अरे अरे, क्या हुआ कालू भाई साहब? आपकी इस बेटी को मैंने चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। यह मेरे बाग से आम तोड़कर खा रही थी और जब मैंने इसे चोरी करते पकड़ा तो यह मुझसे झूठ बोलने लगी। पिताजी, मैंने कोई चोरी नहीं की, काका को कोई गलत फहमी हुई है। मैं इसे आखिरी बार छोड़कर जा रहा हूँ, आगे से मैंने अगर कभी इसे चोरी करते पकड़ा तो सीधे पुलिस के हवाले कर दूंगा, फिर मैं आपकी इज्जत का भी ख्याल नहीं करूंगा। ऐसा बोलकर वह कालू कौवा गुस्से से वहाँ से चला जाता है और उसके जाते ही टूनी अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, आप तो जानते हैं ना मुझे, मुझे लगता है ये मुन्नी ने किया है और सुबह वह घर में भी नजर नहीं आ रही है। हाँ बेटा, ये उसी का ही काम होगा, आने दे उसे, देखता हूँ। शाम को मुन्नी घर आती है और उसके आते ही टूनी और उसके पिता उसकी क्लास लगा देते हैं। मैंने तुझे मना किया था ना फिर से ऐसा काम नहीं करना, पर तूने मेरी बात नहीं मानी और तूने चोरी की, और आज तेरी वजह से कालू काका ने मुझे डांटा और वो आकर पापा को भी खूब खरी खोटी सुनाकर चले गए हैं, सब तेरी वजह से। मुन्नी सर झुकाए सब सुन रही थी, वह उनकी बातों को एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती। अगले दिन मुन्नी आज फिर कोई नई शरारत करने का प्लान बना रही थी। फिर उसे चुन्नू तोते का ख्याल आता है और वह उसके घर जाकर उसकी पत्नी के कान की सोने की झुमरी चुरा लेती है। उसे चोरी करते हुए चुन्नू देख लेता है, वह उससे बचने के लिए उड़ती हुई भागे चली जाती है। रास्ते में मुन्नी से वह झुमकी कहीं खो जाती है। हे भगवान,
अब तो वो चुन्नू तोता मुझे छोड़ेगा नहीं, अब मैं क्या करूँ? बेटा बस से भाग कर तू कहाँ जाएगी, अब चल मेरी पत्नी की कान की झुमकी दे। काका मुझसे वो कान की बाली गुम हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या तूने वो झुमकी खो दी? मुझे नहीं पता, तू मुझे मेरी झुमकी वापस दे। तभी टूनी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। मुन्नी रोते हुए उसे पूरी कहानी बताती है। मुन्नी मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ कि ये शरारत मत किया कर, इन सब का तुझे एक दिन खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। माफ कर दो, माफ कर दो, मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से कोई शरारत नहीं करूँगी, आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। पक्का वादा? हाँ दीदी पक्का वादा। इसके बाद टूनी उसे वह झुमकी दे देती है। ये रही वह झुमकी, ले दे दे काका को। मैं जब यहाँ आई तो मुझे यह झुमकी पड़ी हुई मिली थी, पर मैंने तुझे यह झुमकी पहले इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं तुझे तेरी गलती का एहसास करवाना चाहती थी। इसके बाद मुन्नी सुधर जाती है और कभी फिर से शरारत ना करने का प्रण लेती है। सुंदरवन के जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया अपनी माँ रूपा चिड़िया और सौतेले बाप सोनू कौवे के साथ रहती थी। सोनू बहुत लालची और कामचोर कौवा था। उसने रूपा चिड़िया से शादी उसके पैसों के लालच में ही की थी। वह रूपा की बेटी टुनटुनी को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, वह उससे बहुत काम करवाता। एक दिन की बात है, रूपा अपनी दोस्त कोमल कबूतरी से मिलने बाहर गई हुई थी। तभी वह सोनू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी चिड़िया चल मेरे लिए एक ग्लास पानी लेकर आ। टुनटुनी अपना होमवर्क कर रही थी, इसीलिए उसे सोनू कौवे की आवाज सुनाई नहीं देती और वह अपने काम में ही लगी रहती है। जब वह सोनू को पानी का गिलास लाकर नहीं देती तो सोनू बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे गुस्से में कहता है, ए तुझे सुनाई नहीं देता क्या, मैं कब से तुझसे पानी लाने के लिए बोल रहा हूँ। माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे सुनाई नहीं दिया, मैं अपना होमवर्क कर रही थी। चल चल ये बहाने मत बना, चल मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला, जल्दी कर। पर अभी तो आपने पानी के लिए बोला था। तो मैं चाय नहीं पी सकता क्या? अब मेरा मन पानी पीने का नहीं है, चाय पीने का है, तो तुझसे जो कहा है वह पूरा कर और जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर ला। पर पिताजी मुझे चाय बनानी नहीं आती, मैं कैसे चाय बना पाऊंगी? तो चाय बनाने के लिए क्या मैं तेरे स्वर्गवासी बाप को बुलाकर लाऊं? चल अब ज्यादा मेरा दिमाग मत खा और मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर ला। सोनू की ये बातें सुनकर टुनटुनी रसोई में चली जाती है और जैसे तैसे सोनू के लिए चाय बनाती है और उसे लाकर देती है। ये लीजिए चाय पिताजी। सोनू वो चाय पीता है और उस चाय का टेस्ट बिल्कुल खराब था, इसीलिए वह चाय टुनटुनी के ऊपर फेंक देता है। ये चाय बनाई है तूने? ले पी ले खुद ही, इतनी बड़ी हो गई पर कुछ काम नहीं आता, एक ढंग की चाय बनानी भी नहीं आती, पता नहीं कब तक इन दोनों माँ बेटी को झेलना पड़ेगा। पिताजी मेरा चेहरा बहुत जल रहा है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। तेरी माँ मुझे कोई नोटों की गड्डी नहीं थमा गई जो मैं तेरे ऊपर खर्च करता फिरूं। ऐसा कहकर सोनू कौवा वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया दर्द से कराह रही होती है और अपने पापा की तस्वीर देखकर उनसे कहती है, पापा अगर आप जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, आप मुझे कितना प्यार करते और बहुत जगह घुमाने के लिए भी ले जाते, पर ये पिताजी ऐसे नहीं है, ये मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और मुझे डांटते रहते हैं। आज देखिए उन्होंने मेरे साथ क्या किया, उन्होंने गरम गरम चाय मेरे ऊपर फेंक दी और मेरा चेहरा जल रहा है। ऐसे रोते रोते टुनटुनी चिड़िया वहीं पर सो जाती है। शाम को सोनू कौवा वापस आ जाता है और टुनटुनी से कहता है, ए टुनटुनी याद रखना अगर तुमने आज की बात किसी को बताई तो अच्छा नहीं होगा, नहीं तो आज तो कुछ भी नहीं, मैं एक दिन तुझे इससे भी ज्यादा दर्द दूंगा। नहीं पिताजी मैं किसी को ये बात नहीं बताऊंगी, बस आप मुझे मारना मत। ठीक है चल मेरे पैर दबा, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है पिताजी मैं अभी दबाती हूँ। और जरा अच्छे से दबाना। ऐसा कहकर टुनटुनी उस सोनू के पैर दबाने लगती है। तभी सोनू उससे कहता है,
तेरे हाथों में जान नहीं क्या? जरा ढंग से दबा। खाने को तो पूरा दिन खाती ही रहती है पर शरीर में जान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है पिताजी, मैं और अच्छे से पैर दबाती हूँ। ऐसा कहकर टुनटुनी सोनू के पैर अच्छे से दबाती है। तभी रूपा चिड़िया वापस आ जाती है और टुनटुनी को सोनू के पैर दबाते देखकर टुनटुनी से सवाल करती है। बेटा टुनटुनी, तू ये क्या कर रही है? और सोनू जी, आप क्यों टुनटुनी से पैर दबवा रहे हो? आपको शर्म नहीं आती इतनी छोटी बच्ची से ऐसा काम करवाते हुए? नहीं माँ, इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। वो तो मैंने ही पिताजी से पैर दबाने के लिए कहा था, क्योंकि पिताजी दिन भर कितनी मेहनत करते हैं इसीलिए वे थक जाते होंगे, तो क्यों ना मैं उनके पैर दबाकर उनकी कुछ सेवा कर दूं? हाँ रूपा हाँ, मैं तो टुनटुनी बिटिया को कब से मना कर रहा था पर ये मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। फिर मैंने सोचा क्या बच्ची का मन दुखाया जाए, इसीलिए मैंने भी इसकी मांग मान ली। अरे मुझे माफ कीजिएगा, मैंने कुछ गलत ही सोच लिया था। अरे रूपा कोई बात नहीं, बाकी मैं टुनटुनी बिटिया को अपनी जान से ज्यादा चाहता हूँ, एक ही तो बेटी है मेरी। ऐसा कहकर वे सभी खाना खाकर सो जाते हैं। पर आज रात को सोनू को नींद नहीं आ रही थी, वह मन ही मन किसी नए जाल को बुनने में लगा था। आज तो बाल बाल बच गए, वरना अगर रूपा को यह बात पता चल जाती कि मैं टुनटुनी से जबरन काम करवाता हूँ तो वो मुझे घर से निकाल फेंकती और मैं फिर से दर बदर की ठोकरे खाता फिरता। समझदारी इसी बात में है कि अपने प्लान को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन दोनों माँ बेटी को मार के यहाँ से 9-2-11 हुआ जाए। अगली सुबह सोनू को वह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाता है और उस नाश्ते में जहर मिला देता है और सबको खाने के लिए बुलाता है। आ जाओ रूपा और मेरी प्यारी बेटी टुनटुनी, जल्दी आ जाओ। देखो पापा ने आप दोनों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया हुआ है, जल्दी से आ जाओ। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर आपने क्यों सुबह सुबह इतनी मेहनत की? मैं उठकर खाना बना देती ना। अरे तुम तो रोज खाना बनाती हो, आज मैंने बना लिया तो क्या हो गया? चलो ये सब छोड़ो और तुम दोनों नाश्ता करो। ऐसा कहकर वे दोनों खाना खाने लगती हैं। कुछ ही निवाले खाने के बाद वे दोनों बेहोश हो जाती हैं और सोनू जोर जोर से हंसने लगता है। ये हुई ना बात, ये दोनों माँ बेटी तो भगवान को प्यारी हो गई है, तो देर किस बात की, सारा पैसा और जेवर लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। वह लोकर से पैसे और ज्वारात निकाल कर भागने लगता है। तभी रूपा और टुनटुनी जाग जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे नहीं जाने देंगे आपको पिताजी, पहले प्रसाद तो लेते जाइए। तुम दोनों जिंदा कैसे बच गई? तुम्हें तो मैंने अभी अपने हाथों से जहर खिलाया था। हाँ मुझे पता है कि तुमने हमें मारने के लिए खाने में जहर मिलाया था और तुम हमें मारना चाहते थे, पर अफसोस ये हो ना सका क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही खाने में जहर मिलाते देख लिया था और उसके बाद मुझे टुनटुनी ने सब सच बता दिया कि कैसे तुम मेरे जाने के बाद उस पर अत्याचार करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सोनू कौवे, मैंने तुम्हें अपना पति माना और अपनी बेटी का बाप, पर तुम विश्वास के लायक ही नहीं हो। हाँ माँ, ये बहुत गंदे पिताजी हैं, मुझे ऐसे पिताजी नहीं चाहिए। के मारकर घर से निकाल देते हैं। जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसे पापी पक्षी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है और आइंदा से मुझे अपनी एक गंदी शक्ल मत दिखाना। निकल जाओ यहाँ से।